यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। वही मोस्ट वांटेड शार्प शूटर संपत नेहरा को यमुनानगर पुलिस आज कोर्ट में पेश करेगी। दरअसल संपत नेहार की 3 दिन की पुलिस रिमांड आज खत्म हो रही है, जिसके बाद आज उसे कोर्ट में पेश कर पुलिस दूसरे केस में रिमांड की मांग करेगी। आपको ये भी बता दें कि संपत नेहार को एसटीएफ गुरुग्राम ने हैदराबाद से गिरफ्तार किया था। संपत की तलाश पुलिस पिछले 1 साल से कर रही थी और संपत पर यमुनानगर में 2 मामले दर्ज है। संपत ने पूछताछ में इस बात का भी खुलासा किया था कि वो अभिनेता सलमान खान की हत्या करने का प्लान बना रहा था और इसके लिए वो बकायदा सलमान के घर की रेकी भी कर चुका था। तो आज कोर्ट में संपत नेहरा को पेश किया जाएगा और रिमांड जो है पिछले सुनवाई को लेकर खत्म हो चुका है, अब दूसरे केस के लिए रिमांड की मांग की जाएगी। तो आज रिमांड फिलहाल खत्म हो रही है और इसे लेकर कोर्ट में संपत नेहरा की आज पेशी होगी। इसी के साथ आपको बता दें कि सलमान की हत्या का प्लान भी उसकी तरफ से तैयार किया गया, इस बात को खुद कबूला है संपत ने। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए यमुनानगर से हमारे संवाददाता पवन शारदा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पवन, क्या कुछ अपडेट है? जी ऐसा, 3 दिन पहले भिवानी जेल से इसको लाया गया था और 3 दिन के रिमांड लिया गया था इसके, तो जिससे कि इससे पिस्टल भी बरामद की गई है। हाँ। और आगे जो है आगे रिमांड भी लिया जाएगा। इस पर जो है एक उद्योगपति और पूर्व विधायक के भाई पर हमला करने का आरोप था। जी पवन, और क्या कुछ खुलासा हो पाया है हमारे दर्शकों को बताइए, पूछताछ के दौरान पुलिस ने पूछताछ की है? जी अभी सिर्फ पिस्टल रिकवर हुई है, लेकिन बाकी पुलिस जो है अभी आज रिमांड लेकर आगे इसकी जो है जांच करेगी। पवन, ये बात का भी खुलासा हुआ है इस बात का कि सलमान खान की हत्या का प्लान इसकी तरफ से तैयार किया गया, खुद इन्होंने कबूला है और ये भी बकायदा कहा गया है कि सलमान खान के घर की रेकी भी की गई है इसके लिए। जी ऐसा है कि एक जो है इनके साथी है लॉरेंस बिश्नोई, उनके कहने पर इन्होंने सलमान खान का ये घर पर रेकी की थी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पवन तमाम जानकारी के लिए। तो आज संपत नेहरा का रिमांड खत्म हो रही है और इसे लेकर आज उनकी कोर्ट में पेशी होने वाली है। कई खुलासे पूछताछ के दौरान हुए।